विदिशा जिले के त्योदा थाना अंतर्गत ग्राम अनबाई गांव में मैं 2000 का कर्ज अदा न करने पर एक युवक को उसी गांव के सूदखोर दबंगों ने बुरी तरह मारपीट करने के बाद आग के हवाले कर दिया। परिजनों के अनुसार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मृतक और उसके परिजन मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। घटना के दिन 2000 रुपए का कर्ज अदा नहीं करने को लेकर पन्नालाल का गांव के सूदखोर दबंगों से विवाद हो गया। विवाद के चलते उन्होंने उसे बुरी तरह से पीटने के बाद मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। आग से वह बुरी तरह जल गया, जिसको त्योंदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया था, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उसकी लाश को कलेक्ट्रेट परिसर में रखकर न्याय की गुहार लगाई और एसपी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई की जांच करेगी और दोषियों पर कार्यवाही भी करेंगे। विदिशा से अविनाश कुमार नामदेव की रिपोर्ट। कल रहने वाले क्या मामला है पूरा? जो मामला साहब के जान पैसा मांगे खुद के लाने जा बहते नहीं मारा इसका वो कागे तेल आगे लगाई भाई ने वो दारू ने वो खुद के लाने वहाँ हल्के ना वो केला से है तो दारू में जब बान तेल डाले। कब का मामला है ये? 25 तारीख के साहब 11 बजे का है वो गाँव को पूछ लेना आप। हम सुना ही नहीं रहे बेपैसा वाले साहब हम का करें जब तो गरीब आदमी जा नहीं पाए। अभी एसपी साहब से मिले क्या कह रहे हैं? अभी साहब मुँह नहीं दे के एसपी साहब से मिले हम अभी आए हम तो वहाँ से। ये मामला आया था कुछ दिनों पहले जिसमें व्यक्ति के जलने की सूचना आई थी, जिसके बाद उसको इलाज के लिए रेफर किया गया था। अभी परिवार के लोगों द्वारा यह बात का आवेदन दिया गया है कि उसकी हत्या की गई है कुछ रुपये खाते। इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने हेतु एक डीएसपी स्तर के अधिकारी से इसकी मर्ग जांच कराई जाएगी और मर्ग जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा सर ऐसे लोगों पर नियम थे कि ब्याज पैसा अगर कोई देता है उसमें कार्रवाई होती है, तो क्या ऐसे कुछ लोग हैं उनपे क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, कुछ प्रावधान बने हुए हैं शासन की तरफ से जिसमें अगर कोई अनावश्यक बिना किसी लाइसेंस के या बिना किसी कानूनी सैंक्शन के ब्याज पे पैसा बांटता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। अगर जांच में ऐसी बात प्रकाश में आती है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा और उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। सर एक बड़ा सवाल है यहाँ पर ये खड़ा होता कि आखिर कोतवाली में या ग्रामीण क्षेत्रों में कोतवाली बड़ी उन पर सुनवाई नहीं होती आखिर? कसरावत रोड स्थित नवग्रह मेला मैदान परिसर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब हाट बाजार पहुंचे लोगों की नजर वहां बनी पेयजल टंकी के पास बने सोखता गड्ढे पर पड़ी। गड्ढे में जमा पानी और कचरे के बीच शव तैरता दिखाई देने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। हाट बाजार का दिन होने से बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। मृतक की शिनाख्त कमल सिंह पटेल निवासी लोहारी के रूप में उसके भतीजे कुलदीप ने की है। मृतक रविवार रात से लापता था जिसकी गुमशुदगी शहर कोतवाली पर दर्ज कराई गई थी। मौके पर पहुंचे एसआई अभिषेक बोरासी ने बताया गड्ढे में जमा पानी के साथ ही कचरा व कीचड़ हो गया था, जिससे शव निकालने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद जेसीबी बुलाई गई और शव का पंचनामा बनवाने के बाद जिला अस्पताल भिजवाया। जिला अस्पताल पहुंचे मृतक कमल के बेटे राहुल ने बताया कि उनके पिता रविवार दोपहर अफसरों का फोन आने पर कार्यालय पर ड्यूटी के लिए गए थे। रात करीब 8 बजे उनसे फोन पर बात हुई थी, जिस पर उन्होंने कहा कि खरगोन आ गए हैं और लोहारी आने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। बेटे राहुल, अर्जुन, भतीजे कुलदीप और भाई उमराव सिंह ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रविवार रात जब कमल सिंह घर नहीं लौटे तो पहले वह मेनगांव थाने पर गए, जहां घटनाक्रम बताया। उन्होंने खरगोन कोतवाली भेज दिया गया। खरगोन कोतवाली ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया और वापस मेनगांव पहुंचने पर दोबारा कोतवाली भेजा, जहां पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, लेकिन कमल सिंह को ढूंढने में कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई। उन्हें शंका है कि कमल सिंह के साथ कोई अनहोनी हुई है। उनके जेब में रुपए और मोबाइल भी नदारद थे। खरगोन से नौशाद खान की रिपोर्ट। ये रविवार को निकले थे 2 बजे के समथिंग, साहब का फोन आया था ऊन से, बोले कि ऊन आ जाओ ड्यूटी पे बोले। अब इन्होंने बोला साहब इतने बजे, बोले कि नहीं ड्यूटी आना पड़ेगा बोले। अब ड्यूटी पे गए वो रात को 8 बजे के समथिंग, वहां से उन्होंने बस पे बिठाया उनको। रात भर दिन भर ड्यूटी करवाई उनसे, रात को बिठाया वहां से उन्होंने बोला भी, बोले कि हमने बस में बिठा दिया, बोले कि खरगोन आ गए हैं, लेकिन खरगोन आने के बाद वो अभी तक घर नहीं आए और घर आने के बाद ये उनकी लाश मिली है। रिपोर्ट भी कर दी, थाने में भी गए, बोले कि मिल जाएंगे मिल जाएंगे मिल जाएंगे। थाने वालों ने भी यही बोला हमको, क्या नाम बोले कि मिल जाएंगे, परेशान कर रहे हैं। क्या नाम रिपोर्ट होने के बाद भी हमने बोला मोबाइल उनका डेली चालू हो रहा है 7 से 9 के बीच में, सात से नौ के बीच में उनका मोबाइल चालू हो रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
हमने उनको बोला कि साहब रिपोर्ट लीजिए, पहले खरगोन आए तो खरगोन वाले बोले कि तुम्हारा थाना मेनगांव लगता है, मेनगांव जाओ। मेनगांव गए तो बोले कि जहाँ पे गुम हुए हैं रिपोर्ट वहीं पे लिखाइए। हम खरगोन आए, खरगोन बोले बोले कि कब दिन भर और ढूंढ लो आप, शाम को आना हमारे पास। शाम को गए फिर बोले शाम को रिपोर्ट लिखिए, और बोले कि हमने मोबाइल बोला, हमने बोला मोबाइल चालू हो रहा है, चालू हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने पुलिस ने। कल भी मोबाइल चालू कैसे मिली आपको? अभी किसी का मोबाइल आया हमारे पास, परिचित का है, हमने व्हाट्सएप फेसबुक सब दूर दिया था, उनका मोबाइल आया, बोले भैया यहाँ पे लाश मिली है आप आ जाओ। हम तो खरगोन साइबर सेल में ही जा रहे थे कि साहब आपने अभी तक मोबाइल ट्रैक क्यों नहीं किया, चार दिन हो गए आप ढूंढ क्यों नहीं रहे हो? क्या नाम क्या था इनका? कमल सिंह, रतन सिंह, लोहारी एमपी। जिला चिकित्सालय धार में लापरवाही का आलम जारी है। पिछली गलतियों से सबक नहीं लेते हुए पुनः एक बार लापरवाही के चलते जिला अस्पताल सुर्खियों में है। गत दिवस ग्राम धरावरा का लाखन अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर आशा कार्यकर्ता के साथ प्रसूति हेतु जिला अस्पताल आया था, परंतु कर्मचारियों की लापरवाही से अस्पताल के बाहर परिसर में ही प्रसूति हो गई। उल्लेखनीय है कि नव आरक्षकों के सीने पर जाति के उल्लेख करने के बाद तमाम तरह की जाँचों के चलते अस्पताल प्रशासन अस्पताल पर ध्यान न दे पा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार धरावरा की कविता को तेज पेट दर्द के चलते परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। बाहर बैरिकेड्स लगा था जिसके कारण वाहन अंदर नहीं ले जा पाए। जैसे तैसे कविता को वाहन से नीचे उतारा, तभी उसे ट्रामा सेंटर के सामने परिसर में ही प्रसूति हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। इस मामले में जब वरिष्ठ अधिकारियों और डॉक्टरों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं था। जब मेटर्निटी में उपस्थित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि महिला को स्वयं के वाहन से लाए थे, आशा कार्यकर्ता के साथ थी और हमारी ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई। कर्मचारी के साथ में स्वयं वहां पहुंची थी। महिला को 8वां महीना चल रहा था और उसे वहीं डिलीवरी हो गई। धार से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, वहाँ पर क्या हुआ था कि अस्पताल से कोई भी आपको बाहर लेने नहीं आया? जी नहीं, आपको किसी ने अंदर नहीं आने दिया? गेट ही नहीं खोला वहाँ पे, तो क्या आए अंदर? गेट खोल देगा हम अंदर आते। कितनी देर वेट किया आपने बाहर वहाँ पर? आधे घंटे वेट किया। आप आधा घंटे तक वहीं रहेंगे और अस्पताल वालों ने कोई आपकी हेल्प नहीं की? जी नहीं। और इसके चलते आपको डिलीवरी हुई बाहर ही हुई? कहने लगी कि उसको मतलब पेन वेन हो रहे हैं, आप जल्दी से आ जाओ। तो जैसे ही वो यहाँ आई, मैंने तुरंत अपने जो स्टाफ को, नर्स के साथ साथ उसको वहाँ भेज दिया था और साथ में मैं भी गई थी। तो मैंने वहाँ पूरा देखा, बच्चा सब हो गया डिलीवर, क्योंकि उसको तो प्री मैच्योर डिलीवरी थी। अब उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, 9 मंथ्स की होती है यूजुअली नॉर्मल, लेकिन अभी उसको 8 मंथ्स की थी तो उसको जल्दी ही डिलीवरी हो गई। तो मैंने मतलब अपनी तरफ से हम लोगों ने पूरी कोशिश करके उसको जल्दी से जल्दी इलाज मुहैया कराया। डॉक्टर मारिया भैया, जो अभी अस्पताल में घटना हुई है आपके साथ में, क्या है पूरी घटना, पूरी बताएं आप। हम अंदर आए, हमने अंदर जाके बोला कि हमको स्टूल दे वगैरह दे दो, और भाई उनको भी बुलाया हमने, कोई दाई उनको, पूरे अस्पताल में फिर गए, कोई दाई भी नहीं मिली, ना कोई मैडम वगैरह कोई नहीं मिला मेरे साथ, ना आशा कार्यकर्ता भी थी, पूरे अस्पताल में छान मारा, कोई ना तो दाई मिली वो आशा कार्यकर्ता भाई वगैरह कोई भी नहीं मिला, ना कोई मैडम मिले यहाँ पे। और मैंने गार्ड को अंदर जाने के लिए बोला, मैंने अंदर जान दे, तो बोले नहीं आप जेंट्स को अलाउ नहीं। मैंने कहा मैं आँख मीच के चला जाऊंगा यार भाई, मेरे को वो जो मेरे यहाँ की आशा कार्यकर्ता अंदर गई है उसको बुला दो, मेरी मिसेज को डिलीवरी रोड पे ही हो रही है, बहुत तकलीफ ज्यादा हो रही है। देवास जिले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी विभाग के चामुंडा कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय पर एक और वीडियो हुआ है वायरल। वीडियो में खुद जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुनीता यादव भी डांस करते दिखाई दे रही है। उल्लेखनीय है कि उस समय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुनीता यादव ने खुद की अनुपस्थिति की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन फिर वायरल हुए इस वीडियो में मैडम के डांस करने के मामले ने एक बार फिर टूल पकड़ लिया है। अब देखते हैं किस जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। शिवराज में सरकारी कर्मचारी तो ठीक, अधिकारी भी काम के प्रति कितने जिम्मेदार हैं इसकी वानगी एक बार फिर देखने को आई। जब सोशल मीडिया में देवास की महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय का एक और वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो देवास के चामुंडा कॉम्प्लेक्स स्थित जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय का है, जहां 16 अप्रैल को वीडियो वायरल हुआ था और डांस करने वाले महिला पुरुष कर्मचारियों में से तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने 2 को निलंबित कर दिया, जबकि आउटसोर्सिंग पर रखे हुए 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। फिर वायरल हुए वीडियो में कार्यालय की मुखिया जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुनीता यादव भी डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। कर्मचारी अपनी मैडम का फिल्मी स्टाइल में हाथ खींचता हुआ नजर आ रहा है।
यह वही अधिकारी है जिनके दफ्तर में डांस होता है। वह खुद डांस भी करती है लेकिन पूरा ठीकरा कर्मचारियों पर फोड़ दिया जाता है। देवा से नितिन राठौर की रिपोर्ट। महिला बाल विकास में जिला कार्यालय में जो है कर्मचारी डांस कर रहे हैं कई गांवों में। अभी अभी ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और वीडियो आपके द्वारा मुझे दिखाया गया है। इसमें विधिवत जांच की जाएगी और अगर ऐसी स्थिति पाई गई कि ऑफिस हाउस में सरकारी कार्यालय में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और इसमें जो जो लोग भी वीडियो में दिख रहे हैं अगर जांच में ऐसा सत्यापित होता है कि वीडियो यहीं का है तो उनके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी। सर ऑफिस आवर्स के अलावा भी गंज बासुदा में नवनिर्मित जिनाले में श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का भव्य मंगल प्रतिष्ठा समारोह के लिए भव्य बरघोड़ा रथ यात्रा संपन्न हुई। बरघोड़ा रथ यत्रा में पूज्य आचार्य देव श्री विजय श्री राजेंद्र श्रीश्वर जी महाराज के साथ 125 साधु भगवंतों एवं साध्वी मंडल के साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी मंगल कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई। गंज बासोदा के गांधी चौक स्थित श्वेतांबर जैन मंदिर में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में मूलीबाई मेहता धर्मशाला मील रोड से प्रारंभ होकर वरघोड़ा रथ यात्रा नगर के मुख्य मार्ग होती हुई श्वेतांबर जैन मंदिर पर संपन्न हुई। रथ यात्रा में पूजा आचार्य देव श्री विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज के साथ 125 साधु भगवंतों एवं साध्वी मंडल के साथ 5 सुसज्जित घोड़ा बगिया में प्रभु की प्रतिमा लिए हुए समाज के श्रद्धालुजन बैठे थे। सफेद एरावत हाथी का स्टेचू भी यात्रा का मुख्य केंद्र रहा। यात्रा का मुख्य आकर्षण केंद्र नरसिंहगढ़ से आई बैंड पार्टी के साथ दलदल घोड़ी भी थी। समाज के प्रवक्ता अशोक शाह पेंटर ने बताया कि यात्रा में श्रद्धालुओं का नगर में अनेक जगह स्वागत और सम्मान भी किया गया। यात्रा का समापन मंदिर प्रांगण में हुआ जहां महाराज मुनिश्री ने अपने प्रवचन के साथ सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।